हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरकारी बजट। आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है, सरकारी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं कि बजट किस तरीके से हमारे देश के अंदर लागू किया जाता है, और तीसरे नंबर की बात हमारे बजट की क्या क्या महत्व होते हैं, यानी हमारी सरकार बजट क्यों बनाती है और बजट बनाने से हमारी सरकार को क्या क्या फ़ायदा होता है। देखो ध्यान से समझना बजट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी बातें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल आप बजट को ऐसे समझो कि बजट जो होते हैं वो एक सरकारी दस्तावेज होते हैं, यानी के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। बजट क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार दो कॉलम बनाती है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ सरकार उस पैसे को खर्चा करेगी, और ये सारे आइटम सरकार अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज करती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, सरकार का बजट कह देते हैं। तो सिंपल सा मतलब बजट क्या होता है, सरकार के द्वारा एक दस्तावेज होता है, सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार ये लिखती है कि अगले वर्ष में सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा और सरकार उस पैसे को खर्च कहाँ करेगी। तो ये बजट का मतलब है। तो आप सारे बच्चे डेफिनेशन समझे पहले बजट की। कह रहे कि बजट आगामी वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जो आने वाला साल होता है। याद रखना बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, बजट फ्यूचर की तैयारी के लिए बनाया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय का मतलब क्या है कि सरकार अंदाजा लगाती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितना पैसा आ सकता है, कहां कहां से हमारे पास पैसा आ सकता है, कहां कहां से हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय। फिर सरकार अंदाजा लगाती है कि हम उस पैसे को कहां कहां खर्च करेंगे, और उसका मदवार विवरण होता है। मदवार का मतलब होता है रुपीज में, पैसों में लिखते हैं कि कितना कितना पैसा हम कहाँ खर्चा करेंगे। तो ये बजट की सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब देखो बजट के अंदर तो मैं आपको बताने के लिए 2 घंटे तक बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। बजट के ऊपर कैसे बजट इम्प्लीमेंट होता है, कैसे हमारे देश के अंदर बजट की क्या कहानी है, कैसे बजट आया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी बातें हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है। तो हम जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ लेते हैं। बजट की कुछ मुख्य बातें, बजट की समय अवधि 1 वर्ष की होती है। बजट जनरली कितने साल के लिए बनाया जाता है, 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब बजट संसद वगैरह में पेश किया जाता है तो बहुत हल्ला गुल्ला होते हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं और सरकार के जो नेता होते हैं वो इसके अंदर बहस में हिस्सा लेते हैं, और बहुत बहस वगैरह होने के बाद बजट को जो है क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। बजट की समय अवधि 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है। बजट को संसद अथवा विधानसभा में स्वीकृति की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि बजट के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो भी लीडिंग गवर्नमेंट होती है, वो बजट को पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर। जैसे अभी हम जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन, जो अभी की अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री है, तो वो बजट के अंदर क्या करती है, भाषण देती है। और वो भाषण दो बार वो भाषण दिया जाता है बजट को लेकर, ठीक है। तो बजट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जनरली बच्चों होता क्या है, हमारा जो ईयर होता है वो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर के दिन एंड होता है, लेकिन बजट में हम वित्तीय वर्ष को फॉलो करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर को। और वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च के दिन खत्म हो जाता है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष फरवरी मास में आगामी वर्ष के लिए संसद में बजट पास कराने के लिए वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास सबसे पहले बजट होता है, फिर राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देता है, फिर बजट को पार्लियामेंट के अंदर क्या करा जाता है, पेश किया जाता है। तो फरवरी के लास्ट में बजट को संसद में पेश किया जाता है,
फिर उसमें एक महीने का टाइम लगता है, बहस चलती है, काफ़ी सारी लीगल एक्टिविटीज़ होती है, उसे कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होता है, 1 अप्रैल से बजट लागू कर दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो आप सारे बच्चों को ये बातें याद रखनी है, सरकार बजट हर स्तर पर तैयार करती है, जैसे कि केंद्रीय सरकार अपना बजट बनाती है, राज्य सरकारें अपना बजट बनाती है और स्थानीय सरकारें अपना बजट बनाती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर बच्चों हमें केंद्रीय सरकार का जो बजट है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जब बजट बनता है तो क्या होता है हमारे देश के अंदर, बजट जो होता है बहुत गोपनीय डॉक्यूमेंट होता है, कि बजट की बातें भाई बजट लागू होने से पहले अगर लीक हो जाएंगी तो बहुत सारी दिक्कत होती है, तो इसकी अध्यक्षता करता है हमारा वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कुछ लोगों की टीम होती है, हर बोल सकते हैं हम हर डिपार्टमेंट के जो माहिर लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, फिर उनसे जो है बजट तैयार करवाया जाता है, तो बहुत सारे लोग बजट के अंदर हिस्सा लेते हैं, बहुत गोपनीय तरीके से बजट को बनाया जाता है और फिर संसद के अंदर जो है भेजा जाता है। तो बजट की ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अगले नंबर पे है बजट का उद्देश्य, महत्व, लाभ या फायदा, इन चारों का आंसर एक ही तरीके से आपको लिखना है। बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बजट में जो पहला महत्व होता है, तो कई सारे महत्व है, तो फर्स्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आर्थिक विकास करना। बच्चों बजट का काम होता है देश के अंदर आर्थिक विकास करना, सरकार बजट के अंदर ऐसे स्टेप उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास से अभिप्राय देश की जीडीपी में धारणीय वृद्धि से है। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि ऐसे काम करो जिससे देश की जीडीपी में तेजी से वृद्धि हो जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के आकार में वृद्धि करने को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। यदि सरकार उत्पादन जोखिम को रियायत दे तो बचत और निवेश बढ़ता है। देखो होता क्या है, बजट के अंदर सरकार जितने भी व्यापारी होते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं, फैक्ट्री चलाने वाले, इंडस्ट्री चलाने वाले, उनके लिए नई नई बातें लेकर आती है कि भाई आप इस इंडस्ट्री में पैसा लगाओ, आप इस फैक्ट्री में पैसा लगाओ, हम आपको फ्री में बिजली देंगे, हम आपको कम पैसों में बिजली देंगे, हम आपको फ्री में ज़मीन दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि जोखिम लेने वाले यानी जो लोग पैसा लगाने वाले होते हैं उनको एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, और जब प्रोत्साहन मिलता है तो वो व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं तो देश के अंदर क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का आकार बढ़ने लग जाता है जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है और आर्थिक विकास होने लग जाता है। उसके बाद लिखा है आधारिक संरचना पर व्यय करना, यानी कि आधारिक संरचना पर व्यय करना जिससे उत्पादन गतिविधियों में को बढ़ाती है। आधारिक संरचना में क्या आता है, जैसे हमारे देश के अंदर सड़कें बनवाना आधारिक संरचना है, हमारे देश में पुल बनवाना आधारिक संरचना है, डैम्स बनवाना आधारिक संरचना है, तो सरकार आधारिक संरचना बनाती है, उन पर व्यय करती है ताकि देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सके, देश के अंदर आर्थिक विकास किया जा सके। तो बजट का पहला कार्य, पहला लाभ, पहला महत्व है आर्थिक विकास करना, इन चार बातों को आप याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों आर्थिक स्थिरता या फिर कीमत स्थिरता। देखो क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कभी कभी हमारे देश के अंदर चीज़ों के रेट अचानक से तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, जैसे क्या होता है जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं या जिनकी आय बहुत कम होती है उनके लिए ज़िंदगी व्यतीत करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, या कभी कभी हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, और अर्थव्यवस्था के अंदर अचानक पैसा ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं की मांग कम कर देते हैं, जिससे फैक्ट्रियों में कारखानों में सामान बनना बंद होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से भी निपटने के लिए सरकार बजट का सहारा लेती है। सरकार आर्थिक सहायता, सरकार के हाथों में दो चीज़ें हैं, एक आर्थिक सहायता, सरकार बहुत सारी इंडस्ट्रियों को, बहुत सारी फर्मों को आर्थिक सहायता सब्सिडी देने का काम करती है, और सरकार बहुत सारा खर्चा भी करती है, सरकार के अपने बहुत सारी कंपनियाँ चल रही है, सरकार जो है सड़कों में निवेश करती है, सरकार बिल्डिंगों में निवेश करती है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी सरकार करती रहती है, अपने बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं।
के द्वारा सामान्य कीमत के स्तर को नियंत्रित करती है। तो सरकार इन दोनों का इस्तेमाल करके सरकार अपने देश के अंदर बजट की मदद से कीमत को स्थिर करने की कोशिश करती है। सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति, तेजी, अधिमांग, तीनों का मतलब एक होता है। जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो उसे मुद्रा स्फीति, तेजी या अधिमांग कहते हैं, और सरकार किसके द्वारा इसे नियंत्रित करती है? बजट के द्वारा इसे नियंत्रित कर लेती है। इसी प्रकार सरकार मुद्रा अस्फीति, मंदी और अभावी मांग, ठीक है, को भी सरकार किसके द्वारा नियंत्रित करती है? बजट के द्वारा नियंत्रित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों हमारा सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करना। सार्वजनिक उद्यम कौन से होते हैं? वो उद्यम जिसका रख रखाव, जिसका मैनेजमेंट सरकार के हाथों में होता है, सरकार की संस्थाओं के हाथों में होता है, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं सार्वजनिक उद्यम। जैसे कि अभी हम रिसेंट में बात करें रेलवे, रेलवे किसके कंट्रोल में है? केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में है। भारत पेट्रोलियम सरकार के कंट्रोल में है। विद्युत कंपनियां ज़्यादातर सरकार के कंट्रोल में है। भारतीय खाद्य निगम सरकार के कंट्रोल में है। आदि का प्रबंध कुशलता इन बजटों के माध्यम से क्या करती है? सरकार बजट जब भी पेश होता है तो उनमें ये बताती है कि सरकार इन पर, इन ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी सार्वजनिक उद्यम हैं उनको कितना फंड देगी और उनसे कितना पैसा सरकार को कमाने की संभावनाएं हैं। तो ये सारी बातें सरकार बजट के अंदर लिखती है, और सरकार इनके अंदर निकलने वाली वैकेंसी, लोगों को जो रोजगार देती है इनके अंदर, ठीक है, इनका रख रखाव, सारी बातें सरकार बजट के अंदर पेश करती है इनसे जुड़ी हुई। अगले नंबर पे है गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि देश के अंदर अगर बेरोजगारी है तो सरकार बजट के अंदर ऐसे स्टेप उठाने की कोशिश करेगी जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए। अगर देश के अंदर गरीबी है तो सरकार हर बजट में, देखो हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो आज तक हम अपने देश की गरीबों को पूरी तरह से नहीं हटा पाए, और इस गरीबी को हटाने के लिए हर साल जब भी सरकार बजट बनाती है तो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर लेकर आती है, उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ लेकर जरूर आती है। सरकार रोजगार के नए अवसर निकाल कर, सरकार बजट के द्वारा नए रोजगार के अवसर निकालती है, जैसे कि नई इंडस्ट्रियाँ लगाना, नए कारखाने लगाना, ठीक है, नए जो है संस्थाओं का निर्माण करना, और गरीबों को अधिक सामाजिक लाभ देकर इस समस्या को दूर करती है। सरकार द्वारा बजट से यह प्रयास करती है कि प्रत्येक भारतीय को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो सरकार ये सारे काम बच्चों बजट के माध्यम से ही आसानी से कर पाते हैं। फिफ्थ नंबर पे है बच्चों आय की विषमता को दूर करना। देखो बजट के द्वारा हम आय और संपत्ति की विषमता को भी दूर करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं या देश हैं, चाहे वो विकसित हो, चाहे वो अल्पविकसित हो, चाहे वो विकासशील हो, ठीक है, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जरूर पाई जाती है कि भाई कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं, यानी कुछ लोगों के आय का स्तर ज़्यादा और कुछ लोगों के आय का स्तर कम होता है। किसी भी देश को प्रगति करने के लिए वहाँ पर आय के संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो सरकार बजट के द्वारा ही आय के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करती है, यानी कि जो अमीर हैं उनको और अमीर होने से रोकने की कोशिश करती है और जो गरीब हैं उनको और गरीब होने से बचने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखना सरकार द्वारा बजट के द्वारा आय और संपत्ति की विषमता को दूर किया जाता है, यानी बजट की हेल्प से ही सरकार आय और संपत्ति की विषमता को दूर करती है। कैसे? सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाती है। सरकार, देखो क्या होगा, अमीर लोगों के ऊपर जब टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो उनकी इनकम कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है, उनकी आय के स्तर को कम कर देती है, और दूसरी तरफ सरकार उसी टैक्स का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण पर, जैसे कि गरीबों को राशन देना, गरीबों को पेंशन देना, ठीक है, गरीबों को रियायतें देना बिजली में, पानी में, खर्च करके उनके रहन सहन का स्तर क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना। सब तो हम बोल सकते हैं बजट हमारे देश में आय और संपत्ति की विषमता को दूर भी करता है। अगले नंबर पे है संसाधनों का पुनः वितरण। देखो हमारे देश के अंदर बच्चों जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन संसाधनों के ऊपर सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है और ना ही सिर्फ गरीबों का अधिकार है, बल्कि उस पर हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों का अधिकार है, सारे समुदायों का बराबर अधिकार है। तो देखो क्या होता है
कि अगर उन संसाधनों को सरकार छोड़ दे तो फिर वो बाजार शक्तियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा और उसका इस्तेमाल ज़्यादातर गरीब लोगों के पक्ष में नहीं किया जाएगा, सिर्फ अमीर लोगों के पक्ष में किया जाएगा, जिससे सिर्फ अमीरों को ही इसका फायदा पहुंचेगा। तो सरकार बजट के द्वारा इस चीज़ को रोकती है। देश के संसाधनों का आवंटन बाजार की शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, यानी देश में जितने भी संसाधन हैं वो बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक व आर्थिक विकास करना बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सरकार देखो क्या करती है बच्चों, हमारे देश के अंदर जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी विभिन्न क्षेत्रों के और प्राथमिकताओं के अनुसार जो हमारे देश के अंदर लोग बसे हुए हैं, उन सबका बराबर विकास करने की योजनाएं बनाती है। किसके द्वारा? बजट के द्वारा। इसलिए सरकार निम्न माध्यम से इसे प्रभावित करती है, ध्यान से समझना। कर रियायतें या आर्थिक सहायता, सरकार क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं जब वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार उनको क्या करती है, रियायतें देती है, सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि आप छोटी फैक्ट्रियां लगाओ, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों के अंदर जाओ ताकि वो भी अपनी आय को क्या कर सके, ज़्यादा कर सके। वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करती है सरकार, क्या करती है, देखो जो गरीब लोग हैं, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूँ, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतनी आय नहीं है कि वो राशन खरीद सके, तो सरकार उनका राशन कार्ड बनवाती है और डायरेक्ट उनको क्या करती है, बहुत कम पैसों के अंदर उनको राशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो देखो सरकार क्या करती है, देश के अंदर वो जो समुदाय हैं, जो हम बोल सकते हैं कि पैसों से कमज़ोर है, या हम बोल सकते हैं जो गरीब है, सरकार उनके लिए वस्तु और सेवाओं का खुद ही उत्पादन करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार सरकार हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उनको बाजार की दया पर नहीं छोड़ती, बल्कि उनको बजट के माध्यम से क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने बजट का अर्थ समझा, बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, और बजट से जुड़ी हुई उसके बजट के क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व होता है या क्या उद्देश्य होता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही।